Namaskar. Standard 10, Chapter number 8, Introduction to Trigonometry. In that, पहले friends, हम देखते हैं कि trigonometry क्या होता है. Trigonometry, Greek words है. Trigonometry. Tri means three, gon means sides and metry means measure करना. मतलब triangle की तीनों side and तीनों angle के related है. मेजरमेंट करना उस मैथमेटिक्स की ब्रांच को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है. मतलब ट्रायंगल आया और उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली राइट एंगल ट्रायंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल में. तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरह से डिफरेंट साइड्स एंड डिफरेंट एंगल्स मेजर किए जाते हैं वो अभी हम इसमें देखेंगे. लेकिन जो उसके फॉर्मूलास हैं उस फॉर्मूला को याद रखने की एक ट्रिक हम उसको इस लेक्चर में अच्छे से समझेंगे. तो यहां पे देखते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया गया है, वर्टिकल साइड एंड हॉरिजॉन्टल साइड. यहां पे एग्जैक्टली राइट एंगल बनेगा. राइट एंगल की सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहा जाता है. मतलब ये हाइपोटेनियस है, समझ लें कि नेम दे दिया ए बी सी. तो ए बी है वो वर्टिकल लाइन, बी सी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, और ए से लेकर सी है वो हाइपोटेनियस है. अभी जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो यहां पे ये 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग टू एंगल्स ऑलवेज एक्यूट एंगल्स. जो बाकी के दो हैं वो ऑलवेज एक्यूट एंगल ही होंगे. क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. मतलब 180 को हम इस तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 90 तो ये ले गया, रिमेनिंग 90 रहे. तो समझो इसको हमने 1 डिग्री दिया तो इसको 89 डिग्री मिलेगी, ये 2 डिग्री तो ये 88, ये 3 डिग्री तो ये 87. तो इस तरह से दोनों में बिलो 90 ही आएंगे. इसलिए ये एंगल कुछ भी हो, मेजरमेंट कुछ भी हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो एक्यूट होगी. मतलब वो ये दोनों ऑलवेज एक्यूट एंगल होंगे. ओके, अभी यहां पे आपको आपका व्यू पॉइंट क्या है वो समझना जरूरी है. मान लीजिए कि आप सी पर खड़े हो और देख रहे हो, सी पर खड़े हो और देख रहे हो, तो सी के सामने वाली साइड, मतलब ये भी यहां पे ये ए भी, ये आपके लिए ऑपोजिट कहलाएगी, और ये जो बी सी है वो सी के लिए एडजेसेंट कहलाएगी, पास वाली साइड कहलाएगी. मतलब सी के लिए ये ऑपोजिट साइड हुई और ये एडजेसेंट साइड हुई. मतलब सी के लिए ये बेस हुआ. सी एंगल कहां पे बना? हाइपोटेनियस को छोड़कर सी एंगल कहां पे बना? बीसी पर बना. मतलब सी एंगल के लिए ये बेस कहलाएगा, एंड ये लाइन ए बी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी. क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर. ओके, अभी मान लीजिए कि आपका व्यू पॉइंट ए है. क्या है? आपका व्यू पॉइंट ए है, मतलब आप यहां से देख रहे हो. तो जब आप यहां से ए से देख रहे हो तो आपकी ऑपोजिट साइड हुई बीसी, और आपका एंगल कहां पे बन रहा है? यहां पे एबी पर बन रहा है, यानी एबी आपका एडजेसेंट हुआ, पास वाला हुआ. ये ऑपोजिट हुआ, ये एडजेसेंट हुआ. मतलब यहां पे जो ए एंगल है वो ए एंगल किसके बेस पर बन रहा है? ये एबी पर बन रहा है. मतलब यहां पे ए के लिए ये बेस कहलाएगा और ए के लिए ये बीसी है वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी. मतलब परपेंडिकुलर लाइन कहो और ऑपोजिट कहो, इसी तरह इस बेस को आप एडजेसेंट कहो. किसके लिए? ए के लिए. आपका व्यू पॉइंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है. फिर से, अगर आपका व्यू पॉइंट ए है तो ए ने कहां पे एंगल बनाया? ए बी पर बनाया, तो वो आपका बेस हुआ. ए की पास वाली साइड हुई ए बी, मतलब ये एडजेसेंट हुआ, और ये उसके लिए परपेंडिकुलर कहलाएगी या फिर ऑपोजिट कहलाएगी. इसी तरह अगर समझो आपने सी एंगल पर पॉइंट बनाया, मतलब आपका व्यू पॉइंट सी है, तो ये बेस कहलाएगा, ये एडजेसेंट कहलाएगी, और ये आपका ऑपोजिट साइड कहलाएगी या परपेंडिकुलर कहलाएगी. ओके, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है, मतलब उसकी जो फॉर्मूला है, उसके जो रेशियो है, उसको याद रखने की एक ट्रिक.
आपको एक सेंटेंस याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। फ्रेंड्स इसमें ये रेशियो आ गए, किस तरह से? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, फिर से पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहां पे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो तो ये आपका साइन कहलाएगा, ये आपका कोस कहलाएगा और ये आपका टेन कहलाएगा। मतलब साइन थीटा, थीटा यानी एंगल, यहां पे मैं समझो कि थीटा को डिनोट कर दूं। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल इसका यूज करके हम ये रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिवर्स, अभी कोस टेन का रिवर्स क्या होता है? कोट, कोस का सेक और साइन का कोसेक। ओके, तो इसका रिवर्स कर दो, बी अपॉन पी एच अपॉन बी एंड एच अपॉन पी, वो मिल गया। अभी मान लीजिए कि आपका व्यू पॉइंट सी है। ओके, तो व्यू पॉइंट सी आया तो साइन क्या कहलाएगा? सी कहलाएगा। तो उसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये ए बी, और हाइपोटेनियस तो सभी में कॉमन ही है ए सी। मान लीजिए कि साइन ए होता, मतलब आपका व्यू पॉइंट ए होता, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हुई? बी सी। तो यहां पे बी सी अपॉन ए सी आता। मतलब क्या हुआ कि आपका व्यू पॉइंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। व्यू पॉइंट सी है तो उसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, अगर व्यू पॉइंट ए है तो उसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। मतलब ऑलवेज आपको ऑपोजिट साइड देखनी और वो ऑपोजिट साइड आपके लिए परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह से एडजेसेंट साइड होगी, पास वाली साइड होगी, जहां पे ये एंगल बन रहा है हाइपोटेनियस को छोड़कर, हाइपोटेनियस के साथ कहां पे बन रहा है? बीसी पर। तो सी के लिए ये बेस कहलाएगा, ये एडजेसेंट कहलाएगा। उसी की तरह ए कहां पे बन रहा है? हाइपोटेनियस के साथ, यहां पे एबी में है, तो ये एबी है वो उसके लिए बेस कहलाएगा या एडजेसेंट कहलाएगा। तो व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से बेस और परपेंडिकुलर आप पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल का यूज करके कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।